नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक ऑफिस से। आप सभी लोग के अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है संविदा भर्ती के विवाद को लेकर के। अखिलेश यादव की तरफ से संविदा भर्ती के विवाद पर बहुत बड़ा बयान दिया है और यकीन मानिए योगी जी को बिल्कुल ही हिला कर रख दिया है। तो सबसे पहले आप लोग अखिलेश यादव जी का बयान को सुन लीजिए कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। वो रोजगार देने की बजाय रोजगार खत्म करने का प्रयास कर रही है। नौकरी में 5 साल तक संविदा पर रखने को लेकर अखिलेश ने कहा है कि युवाओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में यह फैसला बदल दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि यूपी सरकार हाल ही में समूह गा एवं समूह घा की भर्तियों में संविदा पर नियुक्ति का फैसला किया गया। संविदा पर 5 साल सेवा देने के बाद ही उसे सरकारी किया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार को ही योगी सरकार की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़े लिपिक संवर्ग कर्मचारियों की दक्षता जांच करने के लिए उनकी स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बहाने समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि सीएम किस बात का बदला ले रहे हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। 50 साल में जबरन रिटायरमेंट, 5 साल का बहुमत लेकर आई बीजेपी से 3.5 साल में ही यूपी सरकार रोजगार का खत्म करने पर आमादा है, किस बात का बदला ले रहे हैं सीएम जवाब दें। तो कुछ ऐसा तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा जो है कहा कि हमारी सरकार आते ही पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में हम ये फैसला पलट देंगे, यानी कि हम 5 साल का संविदा जो कार्यक्रम है इसको हम खत्म कर देंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि आचार्य चाणक्य जी की, और इस स्टोरी का जो मोरल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसको आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए और आप लोग खुद डिसीजन लीजिएगा कि ये बात कितनी ज़्यादा सच है और कितनी ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो देखिए, एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भी तो बहुत ज़्यादा योग्य थे, फिर आपने चंद्रगुप्त मौर्य को ही राजा क्यों चुना, ठीक है। तो इसके प्रश्न के जवाब में आचार्य चाणक्य जी के द्वारा कहा गया कि भाई, राजा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि सामाजिक जीवन जीने वाला हो। सामाजिक जीवन का मतलब समझ रहे हैं, जो कि हर एक पहलू को अच्छी तरीके से जानता हो, ठीक है, समाज के। इसके अलावा समृद्धशाली व्यक्ति होना चाहिए और वो हर रिश्ते को अच्छी तरीके समझ सके और जनता के दुखों को बहुत अच्छी तरीके से जान सके, ठीक है। और इसीलिए चाणक्य जी ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी होने के कारण मैं इस पद के लिए अपने आप को सर्वदा अनुचित समझता हूँ, ठीक है। तो राजा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, राजा से मतलब आज के समय के मुख्यमंत्री को भी आप ले सकते हो, कि भाई मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि जनता के हर सुख दुख को समझ सके, ठीक है, हर एक पहलू से समझ सके। तब आप लोग समझ सकते हो कि इस बार के जो अपने मुख्यमंत्री हैं वो किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के लगातार कंजित विरोध कर रहे हैं, और जो संविदा वाला पैटर्न ये लोग लागू करना चाहते हैं सर्वदा अनुचित है, छात्रों के लिए अहितकारी होगा। तो अब देख सकते हैं आप लोग कि आचार्य चाणक्य जी के भी विचार यही थे कि भाई राजा या फिर मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि समाज के हर एक पहलू को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। अब आप लोगों का क्या कहना है इस स्टोरी के मोरल के ऊपर, या फिर संविदा वाला पैटर्न का, अभी तो कुछ पता नहीं। देखिए, अखिलेश यादव जी की जब सरकार आएगी तब क्या होगा वो तो आगे की बात है, बट अभी हम लोगों को अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखना पड़ेगा। लंबे समय तक लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है, इसीलिए आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग भी इस तरीके की जो वीडियोस होती हैं हम लोगों के द्वारा बनाई जा रही हैं, तो आप लोग इन वीडियोस को भी शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी अपनी राय रख पाएँ कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। तो चलिए, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।